खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है और इस पहली सूची में आपको बता दें 39 उम्मीदवारों के नाम साफ किए गए हैं। वायनाड से एक बार फिर से राहुल गांधी चुनाव लड़ते नजर आएंगे। राजनांदगांव से भूपेश बघेल उम्मीदवार बनाए गए हैं और तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर चुनाव लड़ते नजर आएंगे। इसके अलावा भी कई बड़े नाम इस सूची में। हरियाणा के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों की सूची का। तो बड़ी खबर इस वक्त की। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपराजिता, पहले लिस्ट की अगर बात की जाए 39 नाम सामने आए हैं, दूसरी सूची कब तक आने की उम्मीद है और हरियाणा को लेकर तस्वीर कब तक साफ हो सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कल पीएसी की बैठक हुई थी, कांग्रेस की पहली पीएसी की बैठक हुई थी जिसमें करीब 10 राज्यों को लेकर चर्चा की गई थी। हालांकि कई राज्यों को लेकर चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है, स्क्रीनिंग हो चुकी है। अगर आप बात करते हैं हरियाणा की तो हरियाणा को लेकर पहली स्क्रीनिंग हो चुकी है, मगर अब कब जो सूची है हरियाणा को लेकर कब आएगी वो देखने वाली बात हुई, क्योंकि देखिए अभी और भी स्क्रीनिंग होनी बाकी है। 11 तारीख को दूसरी पीएसी है, तो जैसा कि आपने कहा कि जब कब आएगी दूसरी लिस्ट, तो बिल्कुल जब पीएसी की दूसरी बैठक होगी कांग्रेस की 11 मार्च को, तो समझता उसी से राहत से उसके पन्नों पर जो दूसरी है सूची वो आने वाली है। और साथ ही ये कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि हरियाणा को लेकर भी दूसरी सूची रिलीज होगी, उससे समझता हरियाणा को लेकर भी कुछ नाम हो सकते हैं जनता जी। और इसके अलावा दूसरी जो सीईसी की बैठक है वो कब होने जा रही है? जैसे कई आप बता रहे हैं कि आप जल्द होगी, तो ये मानकर चले कि उस सीईसी की बैठक के अगले दिन या उसी दिन दूसरी सूची आ जाएगी? जी बिल्कुल, पीसी वेणु गोपाल ने जब प्रेस वार्ता की है आज करीब 7:15 के आसपास, तो उन्होंने सवाल के तमाम किए गए थे कि कब आएगी दूसरी जो पीसी है, कब होने वाली, अन्य राज्यों को लेकर डिस्कशन कब होंगे। तो उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग समिति की जो बैठक हुई थी वो हो चुकी है, जब दूसरी पीसी है यानी 11 तारीख को दूसरी पीसी होगी उसमें अन्य राज्यों को लेकर डिस्कशन होंगे। और समझता जिस तरह जो पहली सूची है यानी जो आज जो सूची रिलीज हुई थी, तो कल पीसी हुई थी और आज शाम को सूची रिलीज कर दी गई पहले, तो समझता जब दूसरी पीसी होगी यानी 11 तारीख को, तो उससे कल होकर ही दूसरी सूची कैंडिडेट की कांग्रेस रिलीज कर देगी। और फिर साफ तौर से जो पीपी गोपाल ने जब प्रेस वार्ता की और 7:15 रुपए, उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस बार जो कैंडिडेट को जो दिया गया है यानी जो अगर केरला की बात करते हैं तो 14 सीटिंग सांसदों को टिकट मिली है। और साफ तौर से उन्होंने कहा कि इस बार जो टिकट दिए गए हैं उसका जो जिस टिकट से जो लोग जीत सकते हैं उन्हें कंसिडर किया है, साथ ही उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग लॉयल है, तो इन तीनों दो चीजों को कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए टिकट बांटे गए। और साथ ही देखिए विधेयकों को भी जगह दी गई है। साफ तौर से पवन केला ने कहा कि हमारी जो 39 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है उसमें युवाएं भी है, युवा भी है और बुजुर्ग भी है, तो दोनों का सम्मेलन है। उसके बाद रिलीज की गई है, साथ ही SC ST OBC और माइनॉरिटीज भी इसमें शामिल है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अपराजिता। तो आपको बता दें कि पहली सूची जारी की गई है और इस पहली सूची में 39 नाम साफ किए गए हैं। दूसरी सूची की अगर बात की जाए तो उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। वायनाड से राहुल गांधी, जोसाना महंत की अगर बात की जाए तो वो कोरबा से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। गीता शिवराज कुमार शिवमोगा से, डीके सुरेश बेंगलुरु ग्रामीण से, शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से, इसके अलावा गोपाल छेत्री सिक्किम से। तो ये कुछ बड़े नाम हम आपको दिखा रहे हैं जो इस लिस्ट में सामने आए हैं। केसी वेणुगोपाल की अगर बात करें तो अलपुजा से वो चुनाव लड़ते नजर आएंगे। इसके अलावा भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। इस सूची में खास क्या है? 15 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि जनरल कैटेगरी से आते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 24 ऐसे हैं जो कि SC ST OBC और अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। तो ये खास बात हम आपको बता रहे हैं। 12 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 50 साल से कम उम्र के हैं, यानी कि पूरा फोकस किया गया है युवाओं की अगर बात की जाए तो उन पर भी। तो ये पहली सूची में खास चीज़ें जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 14 सिटिंग सांसद हैं जिनको कि टिकट दिया गया है।